दोस्तों नमस्कार, मैं मार्केश, आप देख रहे हैं फ्लूट गुरु जी, और स्वागत है दोस्तों आपका एक नए बिगिनर फ्लूट ट्यूटोरियल में। आज के ट्यूटोरियल में जानेंगे कि कोमल सुरों को कैसे बजाते हैं फ्लूट पर। हमारे संगीत में चार कोमल सुर है, रे, ग, ध और नी, राइट। तो ये चारों कोमल सुरों को फ्लूट पर कैसे प्ले करते हैं जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पोजिशन डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिरी में मैं चारों सुरों को लॉन्ग नोट्स के रूप में बजा कर दिखाऊंगा, ताकि आप वो मेरे वीडियो के साथ ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चारों सुरों को, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं पोजिशन। हमारा पहला कोमल सुर है रे, कोमल रे। तो जानते हैं कैसे है इसका पोजिशन। पहला सा नोट जो है उसके बाद आपको हाफ नोट उठाना है, राइट। जितने भी कोमल सुर है उनको हम कहते हैं हाफ नोट्स या माइनर नोट्स। तो कैसे प्ले करना है आपको, ये जो शुद्ध सुर है हमारा सा, उसके बाद में हाफ नोट अगर उठाते हैं तो वो बन जाता है कोमल रे, राइट। तो ये है कोमल रे की पोजिशन आफ्टर सा हाफ नोट, राइट। आधा ऐसा स्लाइड करेंगे उंगलियों को, राइट। अब सेकेंड नोट है हमारा कोमल ग। तो कोमल ग के लिए क्या करना है, रे के बाद हाफ नोट उठाना है इस तरीके से, ओके। तो ये रे के बाद जब हाफ नोट उठाएंगे तो वो बन जाएगा कोमल ग, राइट। अब तीसरा कोमल नोट है हमारा ध। तो क्या है, ये जो प पोजिशन है, जब हम सारे फ्लूट्स के होल्स को क्लोज करते हैं वो बनता है प। प के बाद हाफ नोट ऐसा उठाते हैं अगर, तो वो बन जाता है कोमल ध। तो ये है कोमल ध की पोजिशन, राइट। एंड कोमल ध के बाद लास्ट फोर्थ नोट आता है हमारा कोमल सुर, वो है कोमल नी। तो ध के बाद ये जो ध पोजिशन है, इसके बाद अगर हाफ नोट उठाते हैं इस प्रकार से, तो ये बन जाता है कोमल नी। तो फिर से एक बार रिकैप करेंगे, कोमल रे आधा नोट है सा के बाद, कोमल ग है रे के बाद आधा नोट इस प्रकार से, फिर आता है कोमल ध प के बाद आधा नोट, राइट। एंड फिर लास्ट में कोमल नी ध के बाद आधा नोट इस प्रकार से, राइट। तो ये चारों पोजिशन आप मार्क कर लीजिए। अब सुनाई कैसे देते हैं ये सुर, वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं कोमल रे को। मेरे पास जो फ्लूट है दोस्तों वो सी मिडल की फ्लूट है, और उसमें मैं कोमल रे अभी बजाऊंगा, तो उसके सुर को चेस करना है। ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, कितना एग्जैक्टली उठाना है उंगली को, ये आपकी उंगली के रख रखाव के अकॉर्डिंग बदलेगा थोड़ा सा। तो मैं तो ऑलमोस्ट 50% समझो ओपन रखता हूँ फ्लूट के मतलब सा के होल को, तो वो कोमल रे ऐसा बचता है, राइट। तो ये 50% मैं अगर ओपन रखता हूँ तो इस प्रकार से कोमल रे सुनाई देगा। यह दोस्तों कोमल रे। अब सुनते हैं हम कोमल ग कैसा सुनाई देगा। कोमल ग के लिए ये हाफ नोट उठाएंगे अभी, राइट। अब कोमल ध सुनते हैं, ओके। एंड अब कोमल नी सुनते हैं। फिर से मैं बता दूं, साउंड को चेस करना है, उंगली कितनी उठानी है उस हिसाब से आप साउंड मैच करके देखिए, आपको समझ जाएगा कि कितना रेज करना है फिंगर को, राइट। तो अब कोमल नी सुनते हैं, राइट। तो ये मध्य सप्तक के मैंने चारों कोमल सुर बजाए, तो इस प्रकार से साउंड आएगा इन कोमल सुरों का। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस हाफ नोट पर भी मास्टरी आ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।